काकी। उस दिन बड़े सवेरे श्यामो की नींद खुली तो उसने देखा कि घर भर में कोहराम मचा हुआ है। उसकी माँ नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर भूमि शयन कर रही है और घर के सब लोग उसे घेर कर बैठे बड़े करुण ढंग से विलाप कर रहे हैं। लोग जब उमा को शमशान ले जाने के लिए उठाकर ले जाने लगे तब श्यामो ने बड़ा उपद्रव मचाया। लोगों के हाथ से छूटकर वह उमा के ऊपर जा गिरा, बोला, काकी सो रही है, उन्हें इस तरह उठाकर कहाँ लिए जा रहे हो, मैं ना जाने दूंगा। लोग बड़ी कठिनता से उसे हटा पाए। काकी के दास संस्कार में उसे नहीं जाने दिया। एक दासी राम राम करके उसे घर पर ही संभाले रही। यद्यपि बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है, परंतु असत्य के आवरण में सत्य बहुत समय तक छिपा नहीं रह सका। आसपास के अबोध बालकों के मुंह से ही वह प्रकट हो गया। यह बात उससे छिपी न रह सकी कि काकी कहीं नहीं ऊपर राम के यहाँ गई है। काकी के लिए कई दिन तक लगातार रोते रोते उसका रुदन तो क्रमशः शांत हो गया, परंतु शोक शांत न हो सका। वर्षा के अनंतर एक दो दिन में ही पृथ्वी के ऊपर का पानी तो अगोचर हो जाता है, परंतु भीतर ही भीतर उसकी आर्द्रता जैसे बहुत दिन तक बनी रहती है, वैसे ही उसके अंतस्तर में वह शोक जाकर बस गया था। वह प्रायः अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता। एक दिन उसने ऊपर आसमान में पतंग उड़ती देखी। न जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। विश्वेश्वर के पास जाकर बोला, काका मुझे एक पतंग मंगा दो। पत्नी की मृत्यु के बाद विश्वेश्वर अन्य मनस्क रहा करते थे। अच्छा मंगा दूंगा, कहकर वे उदास भाव से कहीं और चले गए। श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था, वह अपनी इच्छा किसी तरह रोक न सका। एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा हुआ था। इधर उधर देखकर उसने एक स्टूल सरका कर रखा और ऊपर चढ़कर कोट की जेबें टटोली। उनमें से एक चवन्नी का आविष्कार करके वह तुरंत वहां से भाग गया। सुखिया दासी का लड़का भोला श्यामू का समवयस्क साथी था। श्यामू ने उसे चवन्नी देकर कहा, अपनी जीजी से कहकर गुपचुप एक पतंग और डोर मंगा दो, देखो खूब अकेले मिलाना, कोई जान न पाए। पतंग आई, एक अंधेरे घर में उसमें उससे डोर बांधी जाने लगी। श्यामू ने धीरे से कहा, भोला किसी से न कहो तो एक बात कहूँ। भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं किसी से नहीं कहूँगा। श्यामू ने सिर हिलाकर कहा, मैं यह पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूंगा, इसे पकड़कर काकी नीचे उतरेंगी, मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उनका नाम लिख देता। भोला श्यामू से अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो बहुत अच्छी है, परंतु एक कठिनता है, यह डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती, इसके टूट जाने का डर है, पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाएगा। श्यामू गंभीर हो गया, मतलब यह कि बात लाख रुपए की सुझाई गई है, परंतु कठिनता यह थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। बात में दाम है नहीं, और घर के जो आदमी उसकी काकी को बिना दया माया की जला आए हैं, वे उसे इस काम के लिए कुछ नहीं देंगे। उस दिन श्यामू को चिंता के मारे बड़ी रात तक नींद नहीं आई। पहले दिन की तरकीब से दूसरे दिन उसने विश्वेश्वर के कोट से 1 रुपया निकाला, ले जाकर भोला को दिया और बोला, देख भोला, किसी को मालूम न होने पाए, अच्छी अच्छी 2 रस्सियां मंगा दे, 1 रस्सी ओछी पड़ेगी, जवाहर भैया से मैं एक कागज पर काकी लिखवा रखूंगा, नाम की चिट रहेगी तो पतंग उन्हीं के पास पहुंच जाएगी। 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से श्यामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे बैठे पतंग में रस्सी बांध रहे थे। अकस्मात शुभ कार्य में विघ्न की तरह उग्र रूप धारण किए हुए विश्वेश्वर वहां से आ घुसे। भोला और श्यामू को धमका कर बोले, तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है। भोला सक पका कर एक ही डांट में मुखाबिर हो गया। बोला, श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था। विश्वेश्वर ने श्यामू को 2 तमाचे जड़ कर कहा, चोरी सीख कर जेल जाएगा। अच्छा
तुझे आज अच्छी तरह समझाता हूँ, यह कहकर फिर तमाचे जड़े और कान मलने के बाद पतंग फाड़ डाली। अब रस्सियों की ओर देख कर कहा, ये किसने मंगाई? भोला ने कहा, इन्होंने मंगाई थी, कहते थे इनसे पतंग तान कर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। विश्वेश्वर हत बुद्धि होकर वहीं खड़े रह गए। उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखी, उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा हुआ था काकी। सियाराम शरण गुप्त जी ने यह अध्याय लिखा है।